हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आपने देखा होगा यार, सैमसंग कितने जल्दी जल्दी फोन निकाल लिया। तो हाँ भाई, अब यहाँ पे अपडेट आई है सैमसंग की नोट सीरीज को लेके। तो यहाँ पे सैमसंग निकाल रही है सैमसंग नोट 10 और नोट 10 प्रो। तो भाई यार, नोट 10 तो यार एकदम बेसिक होने वाला है, लेकिन नोट 10 प्रो में यार इतनी कमाल की चीजें होने वाली है, आपको देख के सही में यार हिल जाओगे। तो भाई वाली वीडियो पूरी देखना हो कहीं मैं जाना, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त। तो क्या सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के बारे में। तो भाई आपको डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो आप 6.2 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी बाहर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। और गाइस अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्रो की, तो भाई यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और वही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और अगर हम दोनों फोन की बात करते हैं, तो भाई दोनों फोन में आपको एंड्रॉइड 9.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 4000 मिली एम्पायर की काफ़ी बढ़िया बैटरी देखने को मिलेगी। लेकिन यार नोट 10 प्रो में गाइस यहाँ पे थोड़ी सी एक अपडेट करने की चाहिए थी, लेकिन सैमसंग यार हमेशा फ़ोन तगड़ा निकालते हैं, लेकिन बैटरी में कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है तो कभी कभार। तो यहाँ पे आपको कोई भी हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलेगा। तो भाई आपको यहाँ पे जो फोल्डेबल फ़ोन था उसमें जैसे देखने को मिलेगा, तो आपको वायरलेस देखने को मिलेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं इसके कैमराज की। तो गाइस यहाँ पे आपको नोट 10 में सेम सैमसंग S10 जैसे कैमराज देखने को मिलेंगे, ट्रिपल कैमरा। लेकिन गाइस नोट 10 प्रो में गाइस आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगी, जो 4 कैमरा भाई एकदम तबाही मचा देंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रूमर फैल रखा है, लेकिन भाई सच भी हो सकता है, कि जो आपको पता ही होगा नोट सीरीज में एस पेन आता है, तो एस पेन में गाइस आपको यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो भाई ये सिर्फ बोला जा रहा है सिर्फ नोट 10 प्रो में होने वाला है, नोट 10 में नहीं होने वाला है। तो नोट 10 प्रो में गाइस आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, तो भाई ये काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन ये है कि अगर आप गलती से आपका सेल्फी कैमरा का सॉरी एस पेन कहीं खो जाता है या भूल जाते हो, तो भाई आप सेल्फियाँ नहीं खींच पाओगे, तो ये काफ़ी ड्रॉबैक लगा इस फोन का। लेकिन जहाँ तक है कि ऐसा नहीं होने वाला है, पॉपअप कैमरा देंगे या रोटेटिंग कैमरा या इन डिस्प्ले यानी नॉच वाला होगा, तो वही बोला जा रहा है। तो भाई यहाँ दोनों फोन में सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा आपको, जो इसकी स्टोरेज की बात करते हैं, तो भाई आपको 8GB रैम एंड 512GB की रोम देखने को मिलती है, यानी भाई एकदम तगड़ा है। तो नोट 10 में आपको या नोट 10 प्रो में आपको 4 कलर देखने को मिलेंगे, जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। एंड उसके साथ साथ भाई यहाँ हम इसकी सबसे मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में बात करते हैं, जो है इन दोनों फोन में ही आप 5G सपोर्टेबल है, यानी 5G कनेक्टिविटी सपोर्टेबल है। अगर आप 5G सिम लाते हो जापान से या कहीं से भी, तो भाई आप इनमें 5G का मजा ले पाएंगे। तो भाई ये काफ़ी अच्छा लगा सैमसंग ने 5G सपोर्टेबल निकाल दिया। एंड गाइस इनकी लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं, तो भाई वो लॉन्च होने वाले अगस्त में। तो भाई देख लो आपको कितनी जल्दी न्यूज़ दे दी मैंने 4-5 महीने पहले। तो यार इस वीडियो पर लाइक ठोको फटाफट से। एंड गाइस ऐसी और प्राइस की यार, प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, फिलहाल तो अभी कोई भी प्राइस नहीं आया, लेकिन हाँ भाई $1000 से तो प्लस ही होने वाला है, और बस और $2000 के अंदर होगा, तो वही आपका 80 या 85,000 के आसपास ये फ़ोन आएंगे दोनों। और यार थोड़ी सी भी पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दो भाई, 3 दिन से यार सोया नहीं हूँ, अभी भी ये वीडियो सुबह के 4 बजे शूट कर रहा हूँ, तो यार फटाफट से लाइक मारो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस यार इतना था आज की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।